हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये मैंने पाँच और छः नंबर का साइज है। इसको मैंने 11 नंबर की नीडल से बुना है और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ मैंने ये 15 फंदे डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले 15 फंदे डाल लेती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये 15 फंदे डाल लिए। तो मैं इसको नॉट बांध देती हूँ। पहले मैं इसको सीधा सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए, राइट साइड से मैंने पूरा सीधा बुन लिया। अब रॉन्ग साइड से मैं इसे उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब मैं इस पूरी रो को उल्टा बुन लेती हूँ। एक 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 सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से एक एक रो हो गई। अब मैं यहाँ सीधी तरफ से ये देखिए एक फंदा बगैर बुना उतारती हूँ, एक फंदे को बुन लेती हूँ और इसके बाद मैं एक फंदा बढ़ा देती हूँ। इस तरीके से एक फंदा इस तरफ से बढ़ गया और एक फंदा इधर से बढ़ जाएगा। राइट साइड से ही मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाऊँगी और उनको बुन लेती हूँ। देखिए यहाँ दो रह गए, तो मैं इधर से भी एक फंदा बढ़ा देती हूँ। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ चुका है। ये राइट साइड है, इसी तरफ से फंदे बढ़ने हैं। अब मैं रॉन्ग साइड है, इसे मैं उल्टा ही बुन लेती हूँ। ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं राइट साइड से, तो राइट
राइट साइड पे हूँ, राइट साइड पे फिर मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी इस तरीके से, इस साइड से एक फंदा बढ़ गया, एक साइड एक फंदा मैं उधर से आगे से बढ़ा दूँगी, तो ये फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ जाएगा। और इस तरीके से मुझे जब तक बढ़ाना है जब तक टोटल 27 फंदे ना हो जाएं, मुझे 12 फंदे बढ़ाने इस हिसाब से, तो ये चार फंदे मैं बढ़ा चुकी, चौथा फंदा बढ़ा रही हूँ मैं, चौथा फंदा बढ़ गया, ये देखिए इस तरीके से फंदे दोनों तरफ से बढ़ते जाएंगे। और अब मुझे 8 फंदे और बढ़ाने, इसका मतलब 4 रो और सीधी तरफ से मुझे 4 बार और फंदे बढ़ाने हैं, तो मैं ये टोटल 27 फंदे करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने 27 फंदे कर लिए टोटल, दोनों तरफ से बढ़ा के फंदे, जब 27 फंदे हो जाते हैं तो एक सिलाई सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, सिंपल बुन लेना, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, मैं दोनों सिलाइयां कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा मैंने बना लिया है, इसमें 27 फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई पीछे से एक सिलाई आगे से, एक उल्टी एक सीधी दो बना लिए। अब इसके बाद मैं ये बो वाला पैटर्न डालूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके नौ फंदे बुन लिए मैंने। अब इसके बाद मैं ब्लैक कलर से दो फंदे बुनूंगी, एक और दो। इसके बाद मैं ये पांच फंदे क्रीम कलर से, एक दो तीन चार ये पांच, ये देखिए पांच बुनने के बाद फिर इस साइड के मैं दो फंदे ये ब्लैक कलर से बुन लूँगी, और बाकी ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, एक फंदा मैंने उतार लिया बगैर बुना, अब ये अब ये देखिए इससे पहले मैं ये दो फंदे हैं इन्हें मैं ब्लैक कलर का बुन लूंगी, एक दो, फिर एक फंदा रेड कलर का, अब रेड कलर भी स्टार्ट हो जाएगा, एक रेड कलर का और फिर एक ब्लैक कलर का, बाकी बीच के फंदे ये एक दो तीन चार ये पांच, फिर इसके बाद एक कलर ये पहला वाला फंदा ब्लैक कलर का, फिर एक रेड का और फिर दो ब्लैक के। अभी मैं इसको टाइप कर लेती हूँ, दो अब इन बाकी फंदों को मैं क्रीम कलर से बुन लेती हूँ। अब राइट साइड पे आ गए हम, राइट साइड पे हम एक फंदा बुनेंगे, ये जो है ये देखिए एक फंदा हम ब्लैक का बुनेंगे, तीन रेड और एक ब्लैक,
अब ये देखिए इस फंदे को मैं ब्लैक बना दूंगी और बीच के तीन फंदे ये रेड और ये वाला ब्लैक बन जाएगा। बाकी ये क्रीम कलर के जो फंदे बुने वो क्रीम कलर से ही बुने जाएंगे। एक ब्लैक, तीन रेड और फिर एक ब्लैक। इस रो को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। अब इसके बाद रॉन्ग साइड पर इस फंदे को भी मैं क्रीम कलर से बुन लेती हूँ और अगला फंदा ब्लैक से, फिर दो फंदे रेड दो, फिर अगला फंदा ब्लैक और बीच के ये पांच फंदे जो हम बुन रहे हैं इन्हें क्रीम कलर से। इसको ब्लैक अगले दो फंदे रेड और एक ब्लैक। और बाकी ये क्रीम कलर से ये वाला भी क्रीम कलर का बुना जाएगा, फिर उससे अगला फंदा हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे और फिर एक फंदा दो फंदे ब्लैक के और रेड के और फिर अगला फंदा ब्लैक से इस तरीके से। इसके बाद हम बीच के तीन फंदे क्रीम कलर से बुन लेंगे। ठीक, ये ब्लैक से फिर दो रेड एक दो फिर ये एक ब्लैक। अब बाकी फंदे हम क्रीम कलर से बुन लेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो बुनते हैं रॉन्ग साइड से। इसको हम क्रीम कलर से बुन लेंगे और फिर एक यहाँ ये ब्लैक बुन हो जाएगा और बीच में रेड को भी हम क्रीम कलर से बुनेंगे। पहले इस फंदे को हम क्रीम कलर से
फिर इसके बाद ये वाला हम बुनेंगे ब्लैक, फिर ये रेड और फिर एक ब्लैक। अब बीच में एक रह जाएगा क्रीम कलर का। इसी तरह यहाँ भी एक पहला हम ब्लैक, फिर रेड और फिर ब्लैक और बाकी फंदे हम क्रीम कलर से बुन लेंगे। अब हम राइट साइड पे आ गए, देखिए इस तरीके से। अभी हम बीच के ये छह फंदे हम ब्लैक कलर से बुन लेते हैं। एक दो तीन चार पांच और ये छह। उसके बाद बीच का ये फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे और बाकी फिर छह फंदे हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। और बाकी ये वाले फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। अब ये वाला हम ब्लैक कलर से बुन देंगे और बीच के पांच फंदे हम रेड कलर से। एक दो तीन चार पांच। छह बने, यहाँ छह फंदे हम बुन लेंगे और इस फंदे को हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। बीच का एक फंदा क्रीम कलर से और इसको हम ब्लैक कलर से और बाकी फंदे रेड से। एक दो अगला इसका ये वाला अगला फंदा हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे और इस तरीके से ये बचे हुए फंदे क्रीम कलर से। अब ये वाला हम ब्लैक कलर का बुनेंगे हम बाकी रेड के। देखो एक दो तीन चार। इसके बाद ये सारे फंदे हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। एक दो तीन और ये बीच का भी ब्लैक बुना जाएगा और उसके बाद इधर एक एक दो और ये तीन। इसके बाद ये चार फंदे हम रेड से बुन लेंगे।
चार और ये पांच, और उसके बाद ये वाला फंदा ब्लैक से और बाकी हम क्रीम कलर से बुनेंगे। देखिए अब ये वाला एक दो तीन, अब ये वाला हम ब्लैक ही बुनेंगे इसे, एक फंदा रेड और बाकी तीन फंदे हम ब्लैक बुनेंगे, एक दो तीन। और ये बाकी फंदे हम एक रेड बुनेंगे, एक और रेड बुनेंगे ये, और इसको हम ब्लैक बुन लेंगे। फिर बीच का क्रीम कलर का बुना जाएगा, नहीं ये क्रीम कलर में अभी ये वाला है, इसको ब्लैक बुन के और बीच का ये क्रीम कलर का। इस तरह यहाँ एक दो तीन और ये ब्लैक रेड बना के, ये वाला रेड बना के, ये रेड बना के इसको ब्लैक बना देते हैं और फिर बाकी फंदे हम क्रीम कलर से बुन लेते हैं। अब नेक्स्ट रो ये हम क्रीम कलर से बुन लेते हैं, इसको हम ब्लैक ही बुनेंगे, इसको ब्लैक बुना और बाकी फंदे हम रेड बुनेंगे, एक दो तीन चार, और इसको हम ब्लैक बुनेंगे, इसको ब्लैक बुनेंगे, चार रेड बुनेंगे, इसको ब्लैक बुना और बाकी फंदे हम क्रीम कलर के बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। इसी तरह हम इसको भी एक हम बुनेंगे ब्लैक कलर से और बाकी बीच के फंदे हम बुनेंगे रेड से। और बाकी फंदे हम क्रीम कलर से बुन लेंगे। अब इसको भी हम क्रीम कलर से बुन लेंगे और नेक्स्ट फंदा हम ब्लैक बनाएंगे और दो फंदे रेड के
एक और दो, और ये दो फंदे हम ब्लैक के बनाएंगे, एक और ये दो, बाकी फंदे हम क्रीम कलर से, एक दो तीन, और उसको आगे किया, एक दो तीन, दो फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, एक दो, दो हम रेड से, एक दो, एक हम ब्लैक से, और बाकी क्रीम से। ये वाला ब्लैक क्रीम कलर हो जाएगा और बाकी ये तीन फंदे हम ब्लैक से बना लेंगे, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। एक दो तीन, एक पैटर्न हो गया कंप्लीट इधर का, एक दो तीन, एक दो दो, और ये तीन, ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, ये बो बन गई। अब इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ इस रो को, और इनको दोनों, ये जो रेड और ब्लैक है, इनको कट कर देती हूँ उनको। उनको कट कर दिया और मैं इसको नॉट बांध देती हूँ यहाँ पर। अब मैं सारे फंदे क्रीम कलर से ही उल्टी रो में बुन लेती हूँ। ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में चार रो सीधी उल्टी बनाती हूँ, ये वाली, ये जो ऊपर की प्लेन है, ये सीधी उल्टी बना के फिर मैं आपको ये बताती हूँ दोनों अलग अलग हिस्से बुनने। ये देखिए, मैंने इसकी चार रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं इसके आधे आधे फंदे बुनूंगी, तो पहले मैं आधे फंदों को बुनती हूँ। छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और चौदह फंदे मैं इस तरफ रखती हूँ, तो ये चौदह फंदे को मैं ट्विस्ट कर देती हूँ इसके साथ ऐसे। देखिए, चौदह फंदा मैंने यहाँ बुन लिया। अब इसको मैंने, इन फंदों को मैंने इधर ही छोड़ दिया और ऐसे टर्न किया। अब पहले छह फंदे में ये वाली चीज़ बनेगी, तो पहले ये बॉर्डर बनाऊंगी मैं इसका, छह फंदों का, इस तरीके से। ये देखिए, ये लाइनें बनेंगी पहले छह फंदों की। तो देखिए, एक एक दो तीन
चार पाँच छः, और बाकी फंदे में मैंने उल्टी सिलाई पर उल्टे ही बुनूंगी। सात आठ, इसी तरीके से सीधी सिलाई पे सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। लाइनें बनती जाएंगी, हम इसे टर्न कर लेती हूँ, इन फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। पहले एक दो तीन चार पाँच छः हो गई है, तीन तीन छः, और बाकी फंदों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। इस तरीके से ये बनता जाएगा, और हमें इसके लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह लाइनें और 34 रोज हो जाती हैं ये बनानी है। इसके बाद इसी तरह यहाँ भी बनेगा, 34 रोज बना के 17 लाइन ये हो जाएंगी। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक साइड का ये पोर्शन बना लिया है, ये 17 लाइन है। इसके बाद इन फंदों को मैं एक अलग सुई में धागा लेके इनको पिरो लेती हूँ। से बंद कर देती हूँ कट करके। ऐसे लूज इसे बंद कर देती हूँ, और इसके बाद इसको कट करके मैं इस वाली ऊन को, अब मैं दूसरी साइड का ये वाला पोर्शन बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से सेम ऐसे ही बनाना है बिल्कुल। मैंने 14 फंदे कर लिए, अब इसके बाद रॉन्ग साइड पर और ये 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, तीन तीन छः, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, इस तरीके से एक लाइन बन गई है। इसी तरीके से यहाँ भी मैं 17 लाइनें बनाऊंगी। ये देखिए एक लाइन बन गई है यहाँ पर, इसको मैं बाद में कर दूँगी ठीक। और बाकी मुझे यहाँ 16 लाइनें और ऐसी बनानी है,
इतना बड़ा बना के इसको कंप्लीट करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया और इन फंदों को मैंने अलग धागे में पिरो लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ जो मैंने जितने फंदे डाले थे स्टार्टिंग में उतने ही फंदे उठाती हूँ मैं यहाँ। देखिए इस तरीके से ये 15, ये टोटल फंदे 15 हो गए, मैंने 15 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से, अब इसे रॉन्ग साइड से बुनती हूँ। ये रॉन्ग साइड से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली और इसको मैं इसके साथ बांध देती हूँ ताकि ये टाइट हो जाए। अब इस तरीके से यहाँ जो है यहाँ तक मैं फंदे उठाऊंगी। ये देखिए इधर से इधर तक जो मैंने 15 के 27 करे थे वहाँ तक मैं फंदे उठाऊंगी। तो अब ये इस तरीके से यहाँ से ये एक सीधी रो एक उल्टी रो। अब यहाँ से ये पहला फंदा इस तरफ का उठा लेती हूँ मैं। ये देखिए अब रॉन्ग साइड से मैं इसे बुन लेती हूँ सीधी सिलाई। ये देखिए अब दोनों अब उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाएंगे। यहाँ के मैंने अब इसके बाद यहाँ से भी मैं एक फंदा उठा लेती हूँ। ये देखिए इधर से ये वाले ये फंदा उठेगा। दोनों तरफ से मैं एक एक फंदा उठाती जाऊंगी। अब ये देखिए फिर यहाँ से मैं एक फंदा उठा लूँगी ये वाला। अब ये साइड से भी मैं एक फंदा उठा लेती हूँ। ये वाला फंदा
मैं दोनों तरफ से जब तक फंदे उठाऊंगी, जब तक ये 27 फंदे यहाँ तक हुए थे, यहाँ तक 27 फंदे हो गए थे, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। फिर दोनों तरफ के फंदे उठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके बराबर कर लिया, जहाँ तक ये फंदे बड़े थे यहाँ तक, जैसे यहाँ 27 फंदे तक है, तो मैंने यहाँ 27 फंदे कर लिए। अब इसके बाद ये देखिए इस तरीके से बनाना है। पूरा करके अब ये देखिए यहाँ तक लाने के बाद मैं इसको ये लास्ट के दो फंदे हैं जो इन्हें दो का एक बना देती हूँ। अब हर लाइन में ऐसे ही करना है और इस फंदे को मैं उठा लेती हूँ। ये मैंने फंदा उठा लिया और अब इन फंदों को मैं सीधी तरफ से बुन लेती हूँ और लास्ट के दो फंदे जो होते हैं उन्हें दो का एक करना है। अब यहाँ तक मैं इसी तरीके से बनाऊँगी, मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए लास्ट के दो फंदे रह गए, तो मैंने दो का एक कर लेती हूँ, एक साथ बुन के दो का एक करा और नेक्स्ट फंदा मैं उठा लेती हूँ। अब इसी तरीके से ये नीचे का सोल बनता जाएगा। मैं रॉन्ग साइड पे है, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। देखिए ये पूरी रो बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड पर मैं अब ये लास्ट के दो फंदे रह गए, इसे मैं दो का एक कर देती हूँ और नेक्स्ट फंदा उठा लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ये सोल, ये ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखिए दो का एक करके मैंने ऐसे बनाया, देखिए इस तरीके से। और मैं आपको यहाँ तक फंदे, ये जो है ना हमने फंदे उठाए हैं यहाँ तक, ये जो इसका एंड करा है यहाँ तक फंदे उठाने हैं। इसी तरीके से ये सोल पूरा इसी तरीके से बनेगा, दोनों तरफ से ऐसे ही बनेगा ये। तो मैं आपको ये पूरा इधर तक कंप्लीट करके ये बताती हूँ। यहाँ से मैं फंदा उठा लेती हूँ, ये दो का एक किया और फिर एक फंदा उठा लिया मैंने यहाँ से। ये लास्ट फंदा है इसका, ये इस लाइन का, ये फंदा उठा के फिर मैं इस वाली रो को बुन लेती हूँ।
दो का एक कर लेते हैं इसको, और इसका भी लास्ट वाला फंदा उठा लेते हैं। अब इसके बाद में इन फंदों को सिलाई पे ले लेती हूँ। इन फंदों को मैं सिलाई पे ले लूंगी निकाल दूंगी, और मैं फिर यहाँ से इसे कट करके इधर जोड़ लेती हूँ। इधर से मैंने ऊन को कट करके और इस ऊन के साथ जोड़ लिया है। अब मैं इसको रॉन्ग साइड से बुनते हुए यहाँ तक लाती हूँ और इन फंदों को भी इस सिलाई पे ले लेती हूँ। बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। इसे मैं अभी अंदर कर दूंगी। इन फंदों को भी मैं सिलाई पे ले लूँगी, तो मैं आपको यहाँ तक करके फिर बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं इन सारे फंदों को गिन लूँगी। गिनने के बाद बीच के 8 फंदे रखूँगी, हील बनेगी। अब 8 फंदे रखूँगी, 8 फंदे रखने के बाद जो इधर रहेंगे इधर इधर से बुनूँगी और बाकी इधर वालों को छोड़ दूँगी। वो देखिए इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने ये बुन लिए फंद, 14 फंदे बुन लिए। अब मैं इनको 24 फंदे बुनूंगी साइड में। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 फंदे मैंने साइड के बुन लिए। अब बीच के जो 8 फंदे हैं उन्हें मैं बुनूंगी, उन्हें घटाऊंगी, बाकी ये फंदों को नहीं अभी बुनूंगी। पहले ये देखिए, मैंने 8 फंदे घटाने हैं, हील बनानी है अब हमें 8 फंदे। तो पहला फंदा मैं इस तरीके से, एक फंदा घट गया। अब इसको हम टर्न कर लेते हैं और उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। तो मैं कट कर देती हूँ जरा। ठीक है, सीधे बुन लेती हूँ।
दो तीन चार पाँच और छः। अब राइट साइड पे हम पहले हम ये छः फंदे बुन लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो एक फंदा घटाया था मैंने, यहाँ तक बुन के लाना है सीधी सिलाई ऐसे। टोटल 24 फंदे इस साइड के। एक फंदा वो मैं घटा चुकी हूँ और अब दूसरा ये देखिए, ये जो घटा के एक हो गए थे इसी में इस तरफ का एक फंदा मिलाते हुए दो का एक कर देना है। तो अब इस तरीके से दो बार घट चुके हैं और रॉन्ग साइड की मैं सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको तीसरा फंदा घटाना बताऊंगी। ये देखिए, अब ये तीसरा फंदा जो हमने ये घटाया इसके साथ ही मिलाते हुए ये तीसरा फंदा भी घट गया। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद रॉन्ग साइड है, इसे उल्टा बुन लेती हूँ। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आठ फंदे घट जाएंगे। तो अब तीन घट गए हैं, मैं पांच फंदे और घटा के आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने यहाँ से घटा के जैसे यहाँ से घटा ली, अब मैं इसे उल्टा कर देती हूँ और एक अलग नीडल पॉइंटेड नीडल लेके इनको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, अब इस तरीके से मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। तीन फंदों का एक कर देती हूँ। अब इसी तरीके से एक फंदा इधर कर लूँगी और एक फंदा इधर कर लूँगी और तीन फंदों के एक कर दूँगी ऐसे। तरीके से तीन फंदों का एक फंदा, तो इस तरीके से ये बंद होता जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ करके कंप्लीट करके बताती हूँ। आगे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया।